बहुत बहुत आभार। और जिस प्रकार से आपने श्रोताओं को अपनी कलाकारी के द्वारा मनोरंजन किया, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अब मैं महावीर गुड्डू जी, पद्म श्री विजेता, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे आए हुए साथियों के सामने अपनी प्रस्तुति दें। भाई महावीर जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। मेरा पुनः मातृशक्ति से अनुरोध रहेगा कि जो मातृशक्ति मेरी माता और बहनें पीछे बैठी हैं, जो बिल्कुल पीछे बैठी हैं, वो आगे आ जाएं ताकि पीछे फिर पुरुषों को बैठाया जा सके। बहुत भारी संख्या में लोग हमारे लिए आ रहे थे, आभार व्यक्त करते हैं। रिसीव करने के लिए चले जाएं। भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जाती है। हमारे एक मिनट गुंडू जी, हमारे बहुत आदरणीय और हमारे पूजनीय पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर कृष्णलाल मेडा, हरिचंद मेडा जी के साथी और जो हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मेडा जी को अपना भतीजा मानते हैं, राज्यसभा सांसद, 6 बार से विधानसभा के सदस्य आदरणीय कृष्णलाल पवार जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मेरे भाई को, मेरे बड़े भाई को, मेरे धर्म भाई को, मेरा भी नमस्कार। आइए भारत माता की। भाई जोर से बोलो तो लड़ने को कोई बात की ना। भारत
प्रकट भी लाए और अपने विचार रखे। अनुराधा सैनी जी के लिए तालियां बजा करके स्वागत की। भारत माता की जिन्हें बुला रहा हूं वो ऐसी पर्सनैलिटी है भाई केशव पवार जी। भारत माता की वंदे। बहुत ही मान और सम्मान के अलका जैन की विद्या संकल्प रैली जिसके मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी अभी 10-5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मैंने खुद कहा कि हम सब उनको सुनना चाहते हैं। उनके आने के बाद 2-3 वक्ता ही रखे तो मैं पहले मैं बोलूंगा और समय का मैं सम्मानित मंच से परमिशन लेकर के जिला अध्यक्ष का नाम लेकर के सम्मानित मंच बोलूंगा। राजू मोहन जी जिला अध्यक्ष सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों पत्रकार छाकार साथियों और हरियाणा कल्चर को जीवित रखने वाले महावीर गुरु की टीम साथियों, आज देश में लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और देश में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिन 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर मुख्यमंत्री बने, इन सब का कार्यकाल आपने देखा है। निश्चित तौर से आपने सभी कार्यकाल की कार्य से आपके अंदर की आवाज आएगी तो आपकी जवान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा मनोहर लाल का नाम आएगा। साथियों में एक बात विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के एससी समाज के भाइयों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान के ऐसी समाज को गुमराह करना चाहती है। मैं नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से राज्यसभा में गया हूं, इसलिए साथियों मेरे सामने राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी साथियों, उसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी पढ़ी थी जब 1947 में देश आजाद हुआ, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज को आरक्षण दिया तो उसने पंडित नेहरू की चिट्ठी दी क्यों नहीं देश से आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। इसलिए साथियों आज कांग्रेस के लोग आज भ्रांति पर पूरे देश के अंदर फैला रहे हैं, इसलिए इस बात से आपने सावधान रहना। मुख्यमंत्री बात सामने बोल रहे खुद तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में पहुंचे हैं, हम सब ने राम राम के साथ उनका स्वागत करना है। नायब जी को जय श्री राम, जोरदार नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, मंच पर इकट्ठे ना हो। मैं हमारे जैन जिला की ओर से और हल्का जैन की ओर से मेरे जैन कृष्ण नड्डा की ओर से मोहनलाल भड़ोली की ओर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों जैसे मैं बोल रहा था
पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज के लोगों को प्रधानमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये गारंटी दी थी। जब तक नरेंद्र मोदी जी का जीवन है, देश में कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। दूसरा साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? इस कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। देश के मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करता हूँ, लाल कृष्ण अडवाणी को नमन करता हूँ, जिन्होंने भारत रत्न देने का काम किया। क्या बाबा साहब के अवकाश 14 अप्रैल को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होना चाहिए था? नहीं किया। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्या बाबा साहब का उस बेड़े में झांकी शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस के लोगों ने नहीं की, करके अब लाखों लोग मार जाते हैं। मैं लास्ट में एक बात कहूंगा साथियों, हमारे गुरु संत गुरुदास जी महाराज, भगवान महर्षि वाल्मीकि, संत कबीरदास, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का किसी ने फैसला किया तो मैं माननीय मनोहर लाल को इस बात का श्रेय देता हूँ, इन्होंने साथियों शुरुआत की। अब इतना बड़ा काम मनोहर लाल जी ने किया है, पिपली के अंदर सभी समाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है, नायब सैनिक के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए ऐसी समाज के भाइयों किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आपने समर्थन देना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी को पगड़ी पहना करके जीत पहुंचने पर स्वागत करें और जीत का सम्मान उनके सर पर रखें। भाई मोहनलाल जी और विधायक भाई केशव बिट्टा जी, इनके बाद मैं जोरदार तालियां नहीं बजेंगी तो जीत में आएगा कैसे पता चलेगा? क्योंकि मजदूरों के नेता रहे हैं। भाई फोटो ने दो कठिन मत बुरा। इसके बाद क्योंकि मजदूरों के नेता रहे हैं, श्रम रोजगार के मंत्री रहे हैं, उस समय मैं मजदूरों के लिए भरपूर काम किया, ऐसे मजदूर संघ से निवेदन करूंगा कि वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पगड़ी लेकर के तैयार रहे। भाई हो गया तो निकलते रहे, हटते रहे, और भाई जिनका हो गया वो हट जाए। निवेदन करूंगा कि वो हमारे लोकसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार राय से विधायक पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई मोहनलाल बड़ोले जी को पगड़ी पहना करके शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। माननीय विधायक जी उल्टी बात कर रहे हैं, यो फोटो वाला देख यार जबर राम बगड़ा है। सैनी साहब हेलो, उसने फोटोग्राफर ने जोरदार तालियां, बस ही रहे। अब मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि हरियाणा के लोकप्रिय नेता किशन पवार जी को सोल भेंट करके उनका भी जीत पहुंचने पर स्वागत करें। किशन पवार जी का सबने यो ही दे देगा, फिर राइट दो अभी सोल भेंट करके उनका स्वागत करें। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष भाई राजू मोहर जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जीत पहुंचने पर स्वागत करने के लिए मंच पर आए। सारे प्रेस वालों को डिस्टर्ब, और हमारे कुछ साथी अन्य पार्टियों से जीत पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनके साथ हमारे जीत के लोकप्रिय विधायक भारतीय पार्टी भी रहे हैं, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आए माननीय मुख्यमंत्री जी उनको फटका पहराकर ज्वाइन कराएंगे।
था, उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो आज जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से आज भाजपा में शामिल रहे, प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे हैं स्पेशल पार्टी और सुमित शर्मा काटरथ से पूर्व प्रत्याशी जिला परिषद वार्ड नंबर 20 और एनएसयूआई के जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वीरेंद्र सांगवान जी रिटायर्ड एसडीएम, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और एक ज्वाइनिंग महेंद्र सिंह मलिक गांव गांगोली, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जिला की टीम की तरफ से आप सभी की तरफ से सभी पार्टी ज्वाइन करने वाले साथियों का अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं आपसे भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर मैं इनका अभिनंदन कर दो, स्वागत कर दो। भाई पांच साल बजा दो रे, पिछले भी बजा दो, सभी साथियों का अभिनंदन स्वागत। और इससे जो लोकसभा का चुनाव है इसमें परिवार बढ़ता जाए और एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा चुनाव हो। और सोनीपत लोकसभा में जो जींद जिले की पिछली बार हमारी जीत की भागीदारी थी लगभग 1,00,000 वोटों से ऊपर, अब की बार उम्मीद करते हैं कि भाई जींद जिला, उम्मीद नहीं विश्वास है, विश्वास करते हैं कि जींद जिला तीनों विधानसभा से 2,00,000 वोटों से ऊपर मोहनलाल जी को जिताएगा। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका लक्ष्य है कि 400 पार लेके जाना है, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोनीपत लोकसभा की एक बहुत बड़ी भागीदारी हो और बहुत बड़ी जीत करके हम यहाँ से उनको भेजे, तो मैं आज इनकी ज्वाइनिंग का इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सभी का आप इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, मात्र शक्ति मेरे बुजुर्ग युवा साथी इस कार्यक्रम में पहुंचे और इसी तरह आप लोग जाने के बाद भी 400 पार का लक्ष्य जो पार्टी लिया है उसमें आपके आशीर्वाद से आपके सहयोग से पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तालियां बजा करके उनका जोरदार स्वागत करें। आयो सभी महानुभाव, लेकिन इन 10-20 में किस प्रकार से भारत बदला है ये भी आप सबके सामने है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई वक्त होता था जब कभी दूसरा देश हमारे को वीजा तक नहीं देते थे, आज वही देश रेड कार्पेट बिछाए हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार करते हैं। यूक्रेन की बात करें, जब युद्ध चल रहा था तो देखिए किस प्रकार से शासन किया हमारे मोदी साहब, किसी ने भारत माता की किया पाकिस्तानियों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ा। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया, इस देश को किसी ने ऊंचाइयों में ले जाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, लोग इस पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं, यूनिवर्सिटी में ही रहकर लाखों लोगों की पढ़ाई करने का काम करेंगे। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजा दिल से बहुत नरम होता है, चलो मैंने खट्टर साहब दे या ये कहो कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आयुष्मान योजना और चिरायु हरियाणा बनाने का काम किया, उनके दिल में एक बात आई, गरीब व्यक्ति जिसका पूरा मालिक घर का परिवार का मुखिया कभी कभी उस परमात्मा के चरणों में चला जाता है, किस कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और उस बात को पूरा करने का काम किया। उन्होंने चाहे एमएलए विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, प्रत्येक को 25-25 करोड़ रुपए देने का काम किया ताकि आप सड़कों का निर्माण कर सकते हो। आज जींद के अंदर आप देख रहे हो सीसी की सड़कें बन रही है, दादा ने और पोता पर नरेंद्र मोदी जी की पसंद, चुनाव लड़ने के लिए अपनी बात कहने के लिए मोदी जी ने जिनको भेजा, ऐसे लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार भाई मोहनलाल जी बड़ोली, जिसे निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको संबोधित करें, जोरदार तालियों के साथ मोहनलाल जी का स्वागत करें, पीछे तक तालियां बजती रहे। एक बार सभी से निवेदन है कि मुट्ठी बंद करके एक जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम,
आज इस जिंदगी विजय संकल्प रैली में हमारे मुख्यमंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, आसी से विधायक विनोद बयाना जी, अनुराधा सैनी जी नगर परिषद की चेयरमैन, हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा जी, चेयरमैन करमवीर सैनी जी, जवाहर सैनी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता, सुरेंद्र धवन जी जयंती मंडल के अध्यक्ष, अनिल सैनी जी शहरी मंडल के अध्यक्ष, कृष्ण अहलावत जी ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, नेता गुलशन बिरवारी जी, संजय सैनी जी जींद विधानसभा के संयोजक, बलकार डोला जी, और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसे अतुल प्रताप चौहान जी, ग्रुप बनाने के लिए इस हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का जो सपना 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिलवाया है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको प्रणाम। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनकी इंतजार में आज सुबह 11 बजे से ही हमारे सब साथी पंडाल में इकट्ठा होने लगे थे, आपके प्यार में जींद के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत प्रिय सांसदों में से एक है, कि जब वो मंत्री थे गरीबों के बीच में जाकर के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत उन्होंने गरीबों के घर घर में जाकर के कन्यादान के पैसे, सिलाई मशीनें और हर तरह की सुविधा पहुंचाने का काम किया। उनके एक मुस्कुराहट में हजारों हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मोदी जी हैं, हमारे पास नायब सैनी जी हैं, जिनकी मुस्कुराहट ही विरोधी को त्रस्त कर दे। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और जींद की जनता को संबोधित करें। जब तक वो माइक के पास आए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हाथ ऊपर करके लगातार बजती रहनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में वो अपनी आवाज है, अपनी आवाज पे तालियां बजा करके आप उनका सहयोग करें। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की। पीछे की आवाज कम है, और ये जींद की आवाज तो ऐतिहासिक का बंद करके भारत माता के, भारत माता के मंच पर विराजमान दुनिया के सब बहुत ही सोबर है। आप लोगों की डट करके सेवा करेंगे। राई से हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। अरे एक और बात बताऊं, तेरा महामंत्री लिया, मैं अध्यक्ष हूं, ये मेरा महामंत्री है, और मैं जींद की सरकारी से एक बात कह रहा हूं कि मोहनलाल बड़ोली को हमारी देश की 543 सीटें हैं, उन 543 सीटों में नंबर एक के ऊपर जतवा करके हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। मंच पर विराजमान आप सबके दिलों की धड़कन, हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे जवाहर सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन करमवीर सैनी जी, अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायक राज सैनी जी, हमारे जिला के महामंत्री डॉक्टर अनुराधा सैनी जी, चेयरमैन नगर परिषद जिन, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के जिला के
सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, 1100 करोड़ रुपए का हरियाणा के किसान को मुआवजा दिया, परंतु हरियाणा में मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अगर किसान की फसल खराब हुई है 12000 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भाई हमारी सरकार ने किया है। भाई न्याय की बात करते हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में, ये कांग्रेस के ही लोग थे, अगर एक बच्चे को नौकरी लगनी होती थी पूरा का पूरा गांव भाइयों नौकरी लगवाने के लिए मंत्री के चक्कर काटता था, विधायक के चक्कर काटता था, तब जाकर के नौकरी भाइयों पैसे से लगती थी। परंतु वहां युवाओं के साथ भी अन्याय होता था, परंतु न्याय करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार, घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, ये न्याय देने का काम किया, ये न्याय देने का काम ये देश और प्रदेश के लोगों को ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज हमने समझना है, इनकी सरकार के अंदर बजट के साथ जुटवा करके हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को जाएगी ये आवाज, ये चंडीगढ़ के अंदर जाएगी जोर के जयकारे के साथ, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भेंट करें। चेयरमैन साहब करेंगे, हाँ चेयरमैन मानो प्रवक्ता, प्रवक्ता राजू जी सीएम आ रहे हैं, हम पूछेंगे भाई प्रवक्ता को वापस चाहिए, सालों का नहीं है मेरा फीलिंग पूरी लेके जाते हैं, अरे देसी साथ भी है, बोलिए
ये मीडिया कर्मचारी भी भाई साहब पार्टी से थोड़ी आगे ही तरफ आप वहां से ले लो आप पीछे हाथ जोड़ के विनती है आपका हमारे आदमी पीछे लो आगे आगे पीछे ही तरफ आगे थोड़ी बात बोल दो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले तो इमाम आलम जी का जो ईमान किया जाए उसके बारे में आप बताते हैं। देखिए कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया उनको पानी मिला जा Thank you.